आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 31 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आई जीएसटी में। क्या नोटिफिकेशन है? नोटिफिकेशन नंबर 34। क्या कहती है नोटिफिकेशन? जरा इस नोटिफिकेशन को ध्यान से समझना, और अगर आपको इस नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। क्या कहती है नोटिफिकेशन? जरा इस नोटिफिकेशन को समझना। ये नोटिफिकेशन आई है अंडर सेक्शन 23। आप कहोगे सर सेक्शन 23 किस चीज का है? सेक्शन 23 ये कहता है, सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर हमारे को ऐसा लगा कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो हम नोटिफिकेशन निकालकर तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो यहां पर किसे एग्जेम्प्ट करा है? रजिस्ट्रेशन लेने से। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप छोटे व्यापारी हो, अगर आप छोटे व्यापारी हो और आप अपना सामान फ्लिपकार्ट अमेजन से बेचते हो, फ्लिपकार्ट अमेजन पर अपने आप को रजिस्टर करके अपना सामान बेचते हो, तो अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो जो लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से सेल कर रहे हैं 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि इन्होंने सेक्शन 23(2) में नोटिफिकेशन ये निकाल दी है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सेक्शन 23 है ये ओवर रूल करता है सेक्शन 22 और 24 को। अगर सेक्शन 22 में लिखा है रजिस्ट्रेशन कराना है, सेक्शन 24 में लिखा है रजिस्ट्रेशन कराना है, और सेक्शन 23 में लिखा है रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो किसे नहीं कराना? तो इन्होंने बताया कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो सप्लाई कर रहा है, क्या गुड्स? किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को सेल कर रहा है, जिस पर फ्लिपकार्ट या अमेजन टीडीएस काटेंगे, सॉरी टीडीएस नहीं, टीसीएस काटेंगे, ठीक है ना, टीसीएस काट कर जमा करेंगे, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। कब तक नहीं लेना? अगर उनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर उनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है सेक्शन 22(1) से एक्सीड नहीं करती। अब आप पूछोगे सर 22(1) में, 22(1) के अंदर कितनी टर्नओवर लिखी हुई है? तो जब आप सेक्शन 22(1) को पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे वहां पर जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है 20 लाख है, कुछ स्टेट में 10 लाख है, और उन्होंने 40 लाख का भी प्रोविजन लिखा है, लेकिन 40 लाख को नोटिफाई नहीं करा, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें सेक्शन 22 से, सेक्शन 22 से अगर हम टर्नओवर की बात करें तो नेट रिजल्ट में 20 लाख आता है। तो उन्होंने क्या बोला, सर 40 लाख भी तो लिमिट है। भाई 40 लाख की जो लिमिट है वो अभी भी सेक्शन 23 से है। तो यहां पर जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो यहां पर आपकी टर्नओवर 20 लाख ही मानी जाएगी। अगर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है, नहीं सर 40 लाख कंसीडर करनी चाहिए, तो आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि सेक्शन 22 में 40 लाख की बात लिखी है लेकिन उसे अभी नोटिफाइड नहीं किया है। जो नोटिफाइड है वो सेक्शन 23 में ही नोटिफाइड है। तो यहां पर जब इन्होंने बोला कि 22(1) के हिसाब से तो वहां पर टर्नओवर 20 ही लाख है। अब तो मान लो कि अगर किसी की टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, ठीक है, उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचता है। हालांकि सेक्शन 24 कहता है कि भाई साहब आपको लेना है, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन निकालकर कह दिया। अब लेकिन इसमें शर्तें क्या है? शर्त ये है कि भाई वो कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते हो और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचना चाहते हो तो आप विद इन स्टेट बेचोगे, इंटर स्टेट नहीं बेचोगे, ठीक है। और सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट। आप एक स्टेट से ज्यादा में नहीं बेचोगे, ठीक है, इसका मतलब इंटर स्टेट नहीं करना है और एक स्टेट से ज्यादा में नहीं करना। और आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है, बिना पैन नंबर के बात नहीं बनेगी, पैन नंबर आपको चाहिए, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि वो पर्सन सप्लाई करने से पहले, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे सप्लाई करने से पहले अपना जो पैन नंबर है, अपना जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो वो सारी चीजें हैं वो कॉमन पोर्टल पर, मतलब जीएसटी पोर्टल पर वैलिडेट करेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है लेकिन अपनी डिटेल्स वो वैलिडेट करेगा, ठीक है। वैलिडेट करने के बाद उसे एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, ठीक है ना, जैसे ट्रांसपोर्टर को एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, इन्हें भी एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। और वो जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो एक स्टेट के लिए ही मिलेगा, एक से ज्यादा के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना जी। और जब तक उसे एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर माल नहीं बेचेगा। तो यहां पर क्या मतलब हुआ कि अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उन्हें रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना,
लेकिन ट्रांसपोर्टर की तरह एक एनरोलमेंट नंबर लेना है, और अगर अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो गई या वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है, ठीक है, तो वो एनरोलमेंट नंबर फिर इनवैलिड हो जाएगा, आपको उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो यहां पर अब आपको अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना है, अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा है जो फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू माल बेच रहा है लेकिन उसकी टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की है, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की है, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख की है, तो आप उसे कह सकते हो भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन अब तुम कैंसिल करा लो। तो अब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लो, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर पे माल बेच सकते हो। वो कहेगा साहब आपने तो पहले सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था मेरा, ठीक है ना, आप बोल दो कि सेक्शन 23 ने तुम्हें एग्जेम्प्ट कर दिया है। और ये वाली नोटिफिकेशन कब से पिक्चर में आएगी, 1 अक्टूबर 2023 से आएगी। तो मतलब कि अभी आपको अगस्त सितंबर 2 महीने तो रजिस्ट्रेशन रखना है, 1 अक्टूबर से प्लानिंग कर सकते हो कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ही आप सिंपली उसे बोल सकते हो कि भाई तुम पोर्टल पे माल बेच सकते हो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, ठीक है ना। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, कौन मना कर रहा है, सेक्शन 23 तुम्हें एग्जेम्प्ट कर रहा है, वॉलेंट्री लेना है तो लो, लेकिन सेक्शन 23 तुम्हें मना कर रहा है, ठीक है। इस तरह की सारी नॉलेज हम अपने कोर्स के अंदर आपको दे रहे हैं। ये कोर्स हमारा 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे का कोर्स है, ठीक है, शाम को 7 से 9 पढ़ाएंगे, और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अभी आप हमारा ऐप डाउनलोड करो और आप फटाफट से इस ऑफर को जरूर ले लो, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड सीटें हैं। पूरा कोर्स इसके अंदर कराएंगे, पूरा कंटेंट इसके अंदर कराएंगे, इसे करने के बाद आप जीएसटी में काफी हद तक एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आपको अगर जीएसटी R9 भरनी है, 9C भरनी है, या किसी को नोटिस का रिप्लाई करना है, अपील फाइल करनी है, सारा काम आप कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर watching।